हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में जाना कि सप्लाई एग्जैक्टली है क्या। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज सप्लाई। यानी बेचने वाला प्रोड्यूसर जो है वो एक पर्टिकुलर दाम पे जो भी कमोडिटी ऑफर कर सकता है ना, उसी को सप्लाई कहते हैं। दोस्तों, आज हम जो आंसर पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही मजेदार आंसर है। इसका नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जी हाँ, यानी फैक्टर्स डिटरमाइनिंग सप्लाई। हमने डिमांड एनालिसिस में एक आंसर पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसी प्रकार का ये आंसर है। आज उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सप्लाई पे असर डालते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर डायरेक्टली सप्लाई के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो जरूर 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 हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर ढेर सारे पीडीएफ रिसोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट का आंसर है। क्वेश्चन का नाम है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जी हाँ, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से सप्लाई पे असर पड़ता है या किसी भी कमोडिटी की सप्लाई पे इसका गहरा असर पड़ता है। तो सबसे पहला और आसान सा पॉइंट है पी से, प्राइस ऑफ कमोडिटी। जी हाँ, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमने सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट जो है डिमांड में भी पढ़ा था पिन सी प्लॉट आंसर के अंदर, कि यार प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर। प्राइस का गहरा असर होता है डिमांड पे भी और उसी तरह सप्लाई के ऊपर भी प्राइस का इफेक्ट होता ही है। जी हाँ, प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन सप्लाई एज वेल। यानी दोनों ही मार्केट फोर्सेस, फिर वो डिमांड हो या सप्लाई, दोनों पे प्राइस का असर पड़ता ही है। एक प्रोड्यूसर, एक बेचने वाला तब ज्यादा बेचेगा, तब ज्यादा सेल करेगा जब उसे ज्यादा प्राइस मिल रहा हो। सिमिलरली वो कम सप्लाई करेगा जब उसे कम प्राइस मिल रहा हो। और वही बात यहां पर बताई गई है, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। यही इस पूरे पॉइंट की जान है दोस्तों, मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइस, मोर क्वांटिटी एट हायर प्राइस, लेस क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। यानी प्राइस जब कम है तो कम सप्लाई किया जाता है। दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आसान सा आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी सा पॉइंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बढ़ते हैं आगे। अगला जो डिटरमिनेंट निकल करके आता है वो है दोस्तों स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत जरूरी है, और एक प्रोड्यूसर के एंगल से जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर यानी बेचने वाला, दुकानदार या ट्रेडर जो भी है, वो हमेशा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा निर्भर होता है कि यार सप्लाई कितना हो पाएगा। अगर वो पुरानी घिसी पिटी मशीनरी या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो प्रोडक्शन उसका कम होगा, लेकिन अगर वो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। जी हाँ, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई। यानी अगर हम इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं तो हमारा खर्चा रिड्यूस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा। तो आसान सा पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द सप्लाई। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो यहां पर मैं बता दूं आपको 8 पॉइंट का आंसर है, और तीसरा पॉइंट जो निकल करके आता है यहां पर, इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है। हर दुकानदार बेचने से पहले ध्यान रखता है कि यार कितने में पड़ रहा है, दुकान में आता कितने में है प्रोडक्ट, फिर वो जाने का सोचेगा, फिर वो प्रॉफिट का सोचेगा, फिर अपना मार्जिन जोड़ेगा ना भाई। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनता कितने में है प्रोडक्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। जी हाँ, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये बढ़ जाते हैं, महंगा हो जाता है, लेबर बहुत ज्यादा पगार मांग रहा है या आपको लैंड का भाड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, ऐसे फैक्टर्स अगर महंगे हो गए तो इसका असर कॉस्ट के ऊपर पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो भाई महंगी चीज तो लोग ज्यादा यहाँ पर सप्लाई इसका ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार का मार्जिन कम हो जाएगा ना, तो वो सोचेगा कि यार जो सस्ते में पड़ता है वही मैं ज्यादा बेचूं ना यार महंगा प्राइस में। और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि दुकानदार अपना फायदा सोचेगा, वो सोचेगा कि यार जिसमें
कम कॉस्ट, खर्चा मेरा कम होना चाहिए, उसी में मेरा मुनाफा ज्यादा होगा, और इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बात करें अगले पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट निकल करके आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। खूप गरजेचा आहे, चांगले रस्ते असले पाहिजे, चांगले रस्ते, वीज असली पाहिजे। तुमच्या फॅक्टरीमध्ये जर लाईटच नाहीये, पॉवरच नाहीये, तर फॅक्टरी चालणार कशी? बहुत जरूरी आहे की लाईट होनी चाहिए, रेग्युलर पॉवर सप्लाय होना चाहिए, अच्छे ट्रान्सपोर्ट और कम्युनिकेशन के वेज होने चाहिए। अगर सही रास्ते नहीं है तो ट्रांसपोर्ट में टाइम लग जाता है, ज्यादा भाड़ा लगता है, पैसा ज्यादा जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत मैटर करती हैं किसी भी सप्लाई में। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। ये सप्लाई पे असर डालता है। शॉर्टेज अगर होता है इन फैसिलिटीज का तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। याद रखिए कि अगर पावर फेलियर है, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, मशीन ही नहीं चली, प्रोडक्शन कहां से होगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये मैटर करता है बहुत। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात करूं तो ये है सरकारी योजनाएं। जी हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, सरकारी योजनाएं जो हैं, ये गहरा असर डालती हैं डिमांड पर भी और सप्लाई के ऊपर भी इसका असर होता है। फिर वो टैक्सेशन पॉलिसी हो, जीएसटी जैसी पॉलिसी, तो इसका असर कहीं ना कहीं कॉस्ट पे पड़ेगा, प्रोडक्शन पे पड़ेगा, तो सप्लाई पर भी पड़ेगा। यस, फेवरेबल अगर है गवर्नमेंट पॉलिसी, कैसी है, फेवरेबल है तो यार एनकरेज होगा सप्लाई, लेकिन अनफेवरेबल है, ज्यादा ही बर्डन आ गया टैक्स का, तो भैया डिस्करेज हो जाएगा सप्लाई। तो टैक्सेशन पॉलिसी मैटर तो बहुत करती है दोस्तों। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा मे एनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। यस, कहीं ना कहीं डिपेंड तो भैया बहुत करता है, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यहाँ है नेचुरल कंडीशंस। जी हाँ, खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो पूरी तरह मानसून पे ही डिपेंडेंट है, नेचुरल कंडीशंस पे ही डिपेंडेंट है। उनका सप्लाई आप चाह कर भी नहीं बढ़ा पाएंगे अगर बारिश ही अच्छी ना हो, फसल ही अच्छी नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नेचुरल कंडीशंस आर ऑल्सो फैक्टर्स विच डिटरमाइन द सप्लाई। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द नेचुरल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड मानसून एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल प्रोड्यूस अ गुड हार्वेस्ट, सो द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। सिंपल है, अच्छी बारिश, अच्छा मौसम, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, कल्टिवेशन अच्छा होगा और सप्लाई भी जबरदस्त होगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है अगर बारिश ना हो अच्छी। तो उम्मीद करता हूँ ये छह पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। बात करें सातवें पॉइंट की, तो यहाँ पर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये हमने डिमांड में पढ़ा था दोस्तों, जब कस्टमर के एंगल से हमने पढ़ा था कि यार कस्टमर अगर उम्मीद करता है कि प्राइस सस्ता होने वाला है आगे जाके, तो अभी नहीं खरीदता, वो वेट करता है पेशेंसली कि यार सस्ता होगा तब खरीदूंगा, सस्ता होगा तब खरीदूंगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर के एंगल की बात करें तो प्रोड्यूसर भी कई बार फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रखता है। वो भी सोचता है कि यार कभी अगर ऐसा हो गया कि यार आगे दिवाली आने वाली है, तेल वेल का दाम बढ़ने वाला है, अभी सस्ते में खरीद के रख लेता हूँ और इसको स्टॉक करके गोडाउन में रख दूंगा, जब दिवाली आएगी ना तब निकालूंगा ये वाला तेल और बेचूंगा। तो इसको इलीगल होर्डिंग माना जाता है, जहां पर आप जबरदस्ती डिमांड को बढ़ा रहे हैं और सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। जब एकदम ज्यादा डिमांड और पैसा मिलेगा तो आप सप्लाई करेंगे। इलीगल होर्डिंग भी होती है बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर ऑफ प्राइस का, तो फिर सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। इफ द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, द प्रोड्यूसर में विदहोल्ड द स्टॉक। ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक को विदहोल्ड कर दे और वो सप्लाई कम करे जानबूझ करके, तो ये गड़बड़ वाली बात है, सप्लाई पे इसका असर पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये आसान से पॉइंट आप समझ रहे होंगे। आखिरी पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। आखिरी पॉइंट की बात करें तो ये है अदर फैक्टर्स, और इन अदर फैक्टर्स में अगर आप देखें तो नेचर ऑफ द मार्केट, यानी मोनोपोली मार्केट है या परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कैसे टाइप का मार्केट है, एक दुकानदार है या बहुत सारे दुकानदार हैं, इस पर भी सप्लाई डिपेंड करती है। बात करें रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, कई बार सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल है तो भी सप्लाई पर असर पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो भी सप्लाई पर असर पड़ता है। तो ये रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी सप्लाई पर असर पड़ता है। कई बार हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो कई बार हमारे यहाँ कमी महसूस होती है और फिर हमें एक्सपोर्ट रोकना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, ये भी बहुत असर डालते हैं सप्लाई के ऊपर। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, ये भी मायने रखता है। और आखिर में अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी सप्लाई पे बहुत ज्यादा असर करता है। आखिर में सिर्फ इतना ही लाइन याद रखिए कि इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल, सप्लाई ऑफ कमोडिटी विल बी मोर। अगर फेवरेबल नहीं है तो सप्लाई
लेस हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई को पढ़ा है, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इन पॉइंट्स के जरिए आपको मदद मिलेगी लॉ ऑफ सप्लाई के अजम्पशंस पढ़ने में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।